हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्वीन। तो मैं आज बताने जा रही हूँ बेसन की बहुत ही मज़ेदार सब्जी, जिसमें मैं ये सारे सामग्री दी हूँ। 100 ग्राम तेल है और ये 2 प्याज है जिसे मैं पेस्ट बना ली हूँ। 150 ग्राम बेसन है और नमक स्वाद अनुसार देना है। 1 चम्मच लहसुन लिए हैं, 1 प्याज है जिसे मैं बारीक काट ली हूँ, 1 टमाटर है जिसे मैं बारीक काट ली हूँ और हल्दी है 1.5 चम्मच ली हूँ, 1 चम्मच तीखा मिर्ची है पाउडर और ये धनिया का पाउडर है जो मैं 2 चम्मच ली हूँ और ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो मैं 1 चम्मच ली हूँ और जीरा पाउडर है जो मैं 1.5 चम्मच ली हूँ और ये 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर है। ये हींग है 1 चुटकी ली हूँ और ये मेथी का पत्ता ली हूँ और ये पंचफोरन है ये 1 पतरस ली हूँ और लाल मिर्च ली हूँ। मैं हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ दी थी, मेरी पैन गर्म हो चुकी है। अब देखिए मैं इसमें पानी 1 गिलास ऐड कर रही हूँ। उबालने दे रही हूँ, देखिए मेरी पानी भी अब उबल चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, जीरा का पाउडर 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। मैंने जो पाउडर रखी थी उसी में से थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल रही हूँ इसमें से निकाल निकाल के। देखिए ये मिर्ची है, तीखा मिर्ची का पाउडर वो मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। ये हल्दी का पाउडर है जो मैं 1.5 चम्मच रखी थी उसमें से 1/2 चम्मच पाउडर भी ऐड कर रही हूँ इसमें, और ये धनिया पाउडर जो रखी थी उसमें से भी मैं 1/2 चम्मच पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं ये सारे मसाले जो है इसे अच्छी तरह से इसमें पका लूँगी। देखिए अब जो ये मसाले मैं डाली थी पानी में वो मेरी मसाला अब पक चुकी है। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल भी ऐड कर रही हूँ। देखिए अब मेरी ये मसाला जो है अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ और मैं इसे धीरे धीरे अच्छी तरह से चलाऊंगी। देखिए इसका पेस्ट तैयार करूंगी, इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से चलाते रहना पड़ेगा ताकि इसमें गुठली ना पड़े। देखिए बेसन जो है अच्छी तरह से अब पक चुकी है मसाला में और मिल भी चुकी है। अब मैं इसे एक बर्तन में रखूंगी और बर्फी तैयार करूंगी। बर्तन में पहले से मैं तेल लगा के रख चुकी थी। अब मैं इस बर्तन में देखिए अपना बेसन जो है मिला हुआ है उसे मैं अब रख रही हूँ और मैं इसे बर्फी तैयार करूँगी। अब मैं इसे एक बराबर से फैला लूँगी ताकि मेरी बर्फी अच्छी तरह से बन सके। अब देखिए ये मैं बेसन को अच्छी तरह से फैला चुकी हूँ। अब मैं इसे बर्फी स्टाइल में काट लूँगी। देखिए मेरी बेसन की बर्फी अब तैयार हो चुकी है। अब मैं एक पैन में तेल डाल के इसे तलूंगी। देखिए मेरी पैन गर्म हो चुकी है, हाई फ्लेम पर मैं डाल दी थी और मैं तेल भी इसमें डाल दी हूँ। मेरी तेल भी गर्म हो चुकी है, अब मैं ये बेसन की बर्फी को तलूंगी। बेसन की बर्फी आप ज़रूर बनाएं, इसी तरीका से आपको बहुत बेस्ट लगेगा। एक बार बना के खाइएगा तो इच्छा होगा कि वह टेस्टी सब्जी फिर से बना के खाऊं। अब मैं इसे पलट दूंगी। देखिए ये मेरी बर्फी अच्छी तरह से पक रही है। इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है
ताकि यह भीतर में सारे कुछ पक जाए। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। देखिए मेरी बर्फ़ी जो है अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए मैं बर्फ़ी को अब तल के तैयार कर ली हूँ। अब मैं मसाला फ्राई करूँगी, जिसमें गरम कर ली हूँ। अब मैं इसमें मसाला फ्राई करने के लिए तेल ऐड करूँगी। देखिए मेरी तेल गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें पत्रस डाल रही हूँ, मिर्ची डाल रही हूँ और पचफोरन डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। इसमें मैं बारीक प्याज जो काट के रखी थी वो दे देती हूँ। और ये थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद, मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं लहसुन का पेस्ट जो बचा हुआ था वो मैं डाल रही हूँ और इसे भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही हूँ और मैं अच्छी तरह से इसे फ्राई कर देती हूँ। देखिए ये मेरी जो है प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर रही हूँ और इसे भी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए ये मेरी टमाटर जो है हल्का हल्का फ्राई हो रही है। तब तक मैं मसाला का पेस्ट, सारे मसाले को एक जगह पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। मसाला का पेस्ट बनाने के लिए मैं एक कटोरी ली हूँ। अब मैं इसमें धनिया का पाउडर जो बचा हुआ था वो डाल रही हूँ। ये मिर्ची का पाउडर, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सारे मसाले जो भी है सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये देखिए मेरे हल्दी का पाउडर है और ये तीखा मिर्ची का पाउडर है। सारे मसाला मैं इसमें ऐड करके, इसमें मैं अब पानी ऐड करके अच्छी तरह से इसे मिला लूँगी। देखिए ये मेरी जो पेस्ट तैयार हो चुकी है। और देखिए मेरी टमाटर जो है अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इसमें ये जो मसाला का घोल तैयार की थी अब मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैं इसे भी अच्छी तरह से पकाऊंगी। देखिए मेरी मसाला जो है अब पक रही है। अब मैं इसमें प्याज का जो पेस्ट है उसे भी ऐड कर रही हूँ। मैं इसे भी अच्छी तरह से चला लूँगी और मैं इसे चला के थोड़ा देर पकने छोड़ दूँगी। देखिए मेरी मसाला जो है अब पक चुकी है। मसाला से अब तेल छोड़ चुकी है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और ये मेथी का जो पत्ता है इसे भी मैं इसमें डाल के फ्राई कर लेती हूँ। देखिए मेरी मसाला अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इस मसाले में बॉईल किया हुआ पानी ऐड करूंगी। पानी मैं पहले से बॉईल कर ली थी। इसे मैं अच्छी तरह से चला लूंगी। लो फ्लेम पर इसे मैं अच्छी तरह से धीरे धीरे पका लूंगी मसाले को। देखिए मेरी मसाला जो है अब अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इसमें बेसन का जो मैं बर्फ़ी बना के तल के तैयार करके रखी थी अब मैं इसमें ऐड करूँगी।
देखिए मैं बेसन की बर्फी जो तला हुआ था मैं डाल दी और ये थोड़ा देर मैं पका ली हूँ। अब ये पक चुकी है, मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए बेसन की बर्फी वाली सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप एक बार यह सब्जी को बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।